बड़ी खबर आपको बता दें, दस्यु केशव गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ का जो मामला सामने आया था, पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली है। बाबू महाराज के जंगल से दस्यु देवेंद्र गुर्जर घायल अवस्था में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुठभेड़ के दौरान दस्यु देवेंद्र के पैर में गोली लगी है। खून के निशानों से पुलिस की टीम ने खोज निकाला। दस्यु केशव और शीशराम को भी गोली लगने की देवेंद्र ने पुष्टि की है। दोनों के पकड़े जाने तक पुलिस का अभियान भी जारी रहेगा। हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, सफलता ये कही जा सकती है? जी बिल्कुल, कहना आपका सही है। पुलिस, धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लगातार भीड़ों में दबिश दे रही है, और क्योंकि दस्यु केशव गुर्जर और गैंग से जो पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद में देर रात को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाबू महाराज के जंगल में जो केशव गुर्जर गैंग का सदस्य था दस्यु देवेंद्र गुर्जर, जो घायल अवस्था में पुलिस के हाथ लग गया है। मुठभेड़ के दौरान दस्यु देवेंद्र के पैर में गोली लगी है, और उसके बाद में देवेंद्र से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि दस्यु केशव और उसका जो साथी है सीसाराम को भी गोली लगने की देवेंद्र ने पुष्टि कर दी है, और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और दोनों जिनके गोली लगी है, केशव और सीसाराम को, तो उनके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है भीड़ों में, और जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देवेंद्र को अभी अस्पताल लाया जा रहा है, अभी भीड़ों में है वो। जी और उमेश, ये भी बात सामने आई कि जब तक दोनों नहीं पकड़े जाते हैं बदमाश, तब तक ये अभियान भी पुलिस का जारी रहेगा। ऐसे में क्या योजनाबद्ध तरीके से पहले से योजना पुलिस की तरफ से बनाई गई थी इन्हें पकड़ने के लिए? जी, धौलपुर एसपी ने जब पुलिस को जो 132 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ ठेकेदार से रंगदारी मांगने जैसे ही की सूचना मिली, तो पुलिस ने वहां पर, यानी कि जो लेबर की वर्दी में पुलिस को वहां तैनात कर दिया था। पुलिस की पहले से योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और उसके बाद में जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो ये डकैतों को गोली लगी है, उसके बाद में डकैत अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भाग निकले, और उसके बाद में भी पुलिस लगातार, पुलिस की जो धौलपुर की कई टीमें लगातार भीड़ों में दबिश दे रही है। उसके बाद में ही दस्यु देवेंद्र पुलिस के हत्थे घायल अवस्था में चढ़ गया है। जो शेष दो अन्य डकैते हैं सीसाराम और केशव, वो उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सर्चिंग अभियान जारी है, और डांग क्षेत्र में जो भी घर बने हुए हैं उनके घरों में भी तलाशी अभियान जारी है पुलिस का। जी धन्यवाद आपका उमेश, तमाम जानकारी के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।